छत्तीसगढ़ राज्य में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए मासिक मूल्यांकन होना है, जिसके अंकों के आधार पर अंतिम परिणाम पत्रक तैयार होंगे। तो यह 6 मासिक मूल्यांकन जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी में होना है। इसके बीच के अवधि में त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो जुलाई का जो मूल्यांकन का प्रश्न पत्र है वो आ गया है, जो कुल 25 अंकों का होगा। तो 20 अंक का प्रश्न पत्र तो आपको विद्यालय में दिया जाएगा, 5 अंक का प्रश्न पत्र भी वहाँ बताया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट कार्य होगा वो खंडवा होगा, प्रश्न नंबर 10 होगा। तो इस वीडियो में आपको सभी 6 विषय के प्रायोजना प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके जरूर काम आएगा। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही, यह चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आपके उसमें। हिंदी विषय में देखते हैं, तो यदि आपको एक दिन के लिए सरपंच बना दिया जाए, और ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रोजेक्ट कार्य आपको 2 से 3 दिन में करने के लिए दिया जाएगा। यदि आपको एक दिन के लिए सरपंच बना दिया जाए तो आप गांव के लिए क्या क्या करना चाहोगे, 5 वाक्य में लिखना है। तो गांव में जो जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे कहीं पर किसी मोहल्ले में सड़क नहीं है तो वहां पर सड़क बनवाना है, विद्यालय में कुछ कमी है जैसे बाउंड्री वाल नहीं है तो उसको बनवाने का प्रयास करेंगे, कहीं पर पानी की समस्या है तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पानी के लिए हम यह व्यवस्था करेंगे। ऐसे करके आप गांव के लिए क्या क्या कार्य करेंगे जिससे आपका गांव अच्छा हो, 5 वाक्य में लिखना है। इसलिए ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, आप आसानी से लिख लेंगे और ये 5 अंक आपके हो जाएंगे। अगला विषय है अंग्रेजी। इसमें है ड्रा एंड राइट द सोर्सेज ऑफ वाटर अराउंड यू एनी 5 एंड हाउ शुड वी प्रिजर्व अवर सोर्सेज ऑफ वाटर एक्सप्लेन इट। मतलब आपको अपने आसपास जो भी पानी के स्रोत हैं, कोई 5 पानी के स्रोत हैं, उनका चित्र बनाना है, उनके बारे में लिखना है। जैसे हैंडपंप है, बोरवेल्स हैं, तालाब है, कुआं है, नदी है, इन सब के बारे में इनका चित्र बना के इनके बारे में लिखना है। और है हाउ शुड वी प्रिजर्व आवर सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हम अपने जल स्रोतों का संरक्षण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं कि इनका नुकसान ना हो, उसके बारे में लिखना है। आप जो है इसमें जहाँ जहाँ से 5 कोई भी चुन के पानी जल स्रोत को लिखेंगे, और इन जल स्रोतों में पानी की कमी ना हो या पानी खराब ना हो उसके बारे में लिखेंगे। तो जल संवर्धन के लिए आप लिख सकते हैं कि हम बारिश के पानी को एकत्र करके कर सकते हैं, पानी में किसी तरह की गंदगी न डालें, किसी तरह का रासायनिक खाद का कम उपयोग करें जिससे कि जल स्रोतों में ना जाएं, इन सब चीज़ों का आप लिखते हुए इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। संस्कृत में आपको दिया गया है बड़ों के अनुभव पर आधारित अनुशासन के महत्व पर प्रायोजना तैयार कीजिए। अनुशासन एक बहुत ही बड़ा शब्द है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए या अपने जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। अनुशासित व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तो बड़े लोगों से पूछ के उनके अनुभव अनुशासन के आधार पर क्या थे, कोई समय से उठता है, कोई समय से अपना कार्य करता है, आप भी जैसे समय से स्कूल आते हैं, समय से अपनी पढ़ाई करते हैं, समय से भोजन करना, समय से अपना कार्य पूर्ण कर लेना अनुशासित जीवन के उदाहरण हैं। गणित विषय में देखते हैं 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर के बीच की किसी लंबाई के एक रेखाखंड खींचकर उसे 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। आप अगर मान लीजिए 7 से 12, 8 के भी खींच सकते हैं, 9 का भी खींच सकते हैं, 11, 12, आप जितना भी, मान लीजिए आप 12 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर लाइन है, तो 4 भाग विभाजित करना है, तो 12 में आपको 4 का भाग देना होगा, तो ये आ गया 3, तो 3 सेंटीमीटर का भाग बनाना है। तो आप क्या करेंगे, अपने स्केल से 3 सेंटीमीटर का भाग बना लेंगे, तो इसमें 4 भाग हो जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 3 सेंटीमीटर का जो आपके पास डिवाइडर होता है उसका नाप ले लेंगे और यहाँ पर क्रॉस करते जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे आपके 3 सेंटीमीटर के 4 भाग यहाँ पर बन जाएंगे। तो आपने किस तरह से ये प्रक्रिया की है इसको भी लिखना होगा। अगला विषय है विज्ञान। सौर मंडल का मॉडल या चार्ट बनाइए। अगर आप मॉडल बना सकते हैं 8 ग्रह और सूर्य का चक्कर लगाते हुए, बॉल से बनाया जा सकता है, कलरफुल पेपर के बॉल बना सकते हैं, या फिर आप एक ड्राइंग शीट लीजिए, उसमें पूरा जैसे सौर मंडल का भाग होता है सूर्य, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सबको बना सकते हैं, और लास्ट में यम को भी दिखा सकते हैं। पूरा चार्ट बनाना है और उनके परिपथ को दिखा देंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपका प्रश्न है, आपके मित्र के साथ गंदा व्यवहार हो रहा है तो आप किस तरह से उनकी सहायता करेंगे। इसके बारे में बीच बीच में आपको अलग अलग समय बताया जाता है, आपके पुस्तक में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आप इसमें
बड़ों की सहायता ले सकते हैं, उनको आसानी से बता सकते हैं तो आपको सहायता मिल जाएगी। और भी जितने भी तरीके आपको बताए गए हैं उनको आप पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिख देंगे तो आपको ये अंक मिल जाएंगे। इस तरह से आपके सभी 6 विषय के प्रायोजना कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप प्रत्येक विषय में 5 अंक प्राप्त करेंगे, इस तरह कुल 30 अंक आप प्राप्त कर लेंगे।